धरती पर जब तक परमेश्वर ने अपनी महिमा की रोशनी को जाहिर नहीं किया, तब तक सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि धरती कुछ भी पैदा करने के लायक नहीं थी। रोशनी हो जाए की आज्ञा होते ही परमेश्वर के पुत्र, जिनके द्वारा और जिनके लिए सब कुछ बनाया गया, कि महिमा की रोशनी आ गई और अंधेरा दूर और अलग किया गया। उसके बाद ही धरती में कुछ पैदा करने की क्षमता आ सकी। हमारे जीवन में भी जब तक प्रभु यीशु की ज्योति नहीं चमकती, हम भी परमेश्वर की सही आराधना करने में असमर्थ रहते हैं। आज हम प्रभु यीशु की महिमा में आगे बढ़ने के बारे में जानेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत योहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमेन। प्रभु यीशु का ये कहना कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, इसका सही में इस दुनिया के लिए क्या अर्थ है? इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कम्युनिटी बनाकर चुना ताकि उनके द्वारा वो अपने आप को दूसरों के ऊपर जाहिर करें। चौदन पीपल इजरायली लोग थे। उत्पत्ति 12 की 3री आयत में परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा कर दिया, मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीष देंगे, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा, और इस धरती के सब लोग सब कौमें तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। फरीसी और यहूदी जो लीडर्स थे वो अपने मूसा का जो व्यवस्था थी उसके ज्ञान के बारे में बहुत अभिमान में थे, और वो अपने आप को इजरायली लोगों में भी अपने आप को क्रीम समझते थे, सबसे ऊंचे वो समझते थे। मत्ती 9:10-12 में अगर हम देखें, प्रभु यीशु ने मत्ती और उसके दोस्तों के साथ मत्ती रसूल के घर में खाना खाने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया। फरीसी इस बात पर भी कुड़कुड़ाए और उन्होंने चेलों से पूछा कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है, क्योंकि वो ये मानते थे कि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, हम धर्मी लोगों के साथ जुड़ते हैं, पापी लोग जुड़ नहीं सकते। वो यहूदी लोग या दूसरे जो कामों के थे वो सबको अपने से नीचे समझते थे और अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। प्रभु यीशु ने फिर उन्हें उत्तर दे दिया कि मेरा काम क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इट इज नॉट द हेल्दी हु नीड अ डॉक्टर बट द सिक। वो जजमेंट पास करना चाहते थे, कॉन्डेमनेशन सबके ऊपर पास करना चाहते थे जो वचन से थोड़ा दूर हो गए थे। प्रभु यीशु उन्हें उस वचन के दूर होने का जो अंधेरा था उसे वापस लाने के लिए आए थे, ताकि उनका जीवन पाप के अंधेरे से उन्हें निकाल कर उन्हें पवित्र रोशनी में वचन में लाया जा सके, उनकी आंखें खोली जा सके, उनकी आत्मिक आंखें खोली जा सके, ताकि वो जाने वचन को। पहला योहन्ना 1:5 वचन फिर परमेश्वर का जो रोशनी है उसका और अंधेरे का रिश्ता दिखा देते हैं। यहां लिखा है, परमेश्वर ज्योति हैं और उनमें कुछ भी अंधकार नहीं। गॉड इज लाइट। अंधकार है पाप और परमेश्वर में पवित्रता है। जो रोशनी है वो सच्चाई, अच्छाई, गुड, प्योरिटी, पवित्रता, होली और रिलायबिलिटी को दर्शाता है, और अंधेरा पाप को, बुराई को और शर्मिंदा करने वाले कामों को दर्शाता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें दूसरों के सामने नहीं अंधेरे में ही किया जाता है। रोशनी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो है वहां पर, लेकिन उसके द्वारा जो अंधेरे के काम है वो भी जाहिर होते हैं, और दोनों के बीच में एक सेपरेशन बना दिया गया, अंधेरा अलग कर दिया गया, क्योंकि उसका नेचर, उसका करेक्टर, उसका जो पर्पस है वो सब कुछ छुपाना ही है। रोशनी अंधेरे को दूर करती है और रास्ता, सही रास्ता दिखाती है, और उसके कारण फिर अंधेरे से हम पाप के कामों से बाहर निकलते हैं। योहन्ना 8:2-12 में अगर हम देखें,
तो प्रभु यीशु के जो टीचिंग सेशन चल रहा था, वो जो भवन था परमेश्वर का, उसमें वो सिखा रहे थे, तो जो स्क्राइब और फरीसी थे वो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। वो चाहते हैं कि एक औरत जिसे वो व्यभिचार में पकड़ते हैं उसके ऊपर वो दंड आज्ञा दें कि उसे पत्थर द्वारा मारा जाए, क्योंकि मूसा के व्यवस्था के अनुसार यही आज्ञा थी। जो उसके साथ इंसान, जो आदमी उसके साथ गिल्टी था, उसे नहीं लेके आते, वो सिर्फ औरत को ही लेके आते हैं। प्रभु यीशु की एक सिंपल स्टेटमेंट उनके लिए, उनसे कह देते हैं कि तुम में जो पाप रहित है पहला पत्थर वो मारे, क्योंकि पहला पत्थर उसके अनुसार ये था, कायदे के अनुसार वो मारता था जो एक्यूजेशन लगाता था, जो जो खिलाफ उसके जो वो एक्यूज करता था कि इसने ये काम किया है, और फिर वो जमीन पर लिखने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो लोगों के नाम लिखने लगे कि तुमने ये पाप किया, लेकिन उनके इस बात के द्वारा जो उनका झूठ था, हिपोक्रेसी थी, वो जाहिर हो जाती है और सब एक एक करके निकल जाते हैं। कोई भी उसे फिर कंडेम नहीं करता है। प्रभु यीशु उसे एक आशा दे देते हैं कि वो जिंदा रह सकती है और जिंदा भी रह सकती है पाप के बिना, और फिर से वो आज्ञा देते हैं उसे कि जाओ, मैं भी तुम्हें दंडित नहीं करता, लेकिन अपने जीवन में पाप दोबारा मत करना। एक्यूजर्स और एक्यूज्ड दोनों को वो एक शीशा दिखा देते हैं उनके पाप के हालात के बारे में। फिर वो कहते हैं, मैं जीवन की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चढ़ेगा वो अंधेरे में नहीं लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। जो परमेश्वर के भवन में पवित्र स्थान था, उसमें मेनोरा जलता था, लाइट जलती थी, उसमें 10 मेनोरा रखे गए थे और उनमें रोशनी होती थी, लेकिन जो महापवित्र स्थान था उसमें कोई और रोशनी नहीं थी। जब महायाजक साल में एक बार जाता था तो वहां पर रोशनी परमेश्वर की महिमा की रोशनी होती थी, उसी में वो अंदर घुसता था। प्रभु यीशु ने उस औरत के पाप को नकारा नहीं, उसे मान लिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का प्यार उस पर जाहिर कर दिया और उसे एक आशा दे दी, एक मौका दे दिया कि वो बगैर कंडेमनेशन के अपना जीवन जी सके। यूहन्ना 3:17 में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना प्यार जाहिर कर दिया दुनिया के ऊपर अपने बेटे के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो कंडेमनेशन, न्याय करने के लिए आए, इसलिए भेजा कि उनके द्वारा लोग छुटकारा पाए। जो ये छुटकारे का काम था प्रभु यीशु का, ये उनकी पवित्र रोशनी चमकती है, और रोशनी जो बल देती है, रास्ता दिखाती है, लीड करती है, गाइड करती है लोगों को कि वो उनकी धार्मिकता में आ जाएं, क्योंकि ये धार्मिकता कोई भी अपने कामों से नहीं ग्रहण कर सकता, पा नहीं सकता है। पवित्र बाइबल का जो पहला अध्याय है, इन द बिगिनिंग, जहां वो लिखा गया है, इसमें अगर हम देखें तो यहां पर जो हिब्रू भाषा में शब्द है वो आता है बेरेशित। जो ये पहला हिब्रू भाषा का शब्द है उससे नहीं शुरू होता है, पहला शब्द है अलफ, दूसरा है बे, ये बे से शुरू होता है। यहूदी जो सेज है वो ये इसके कई कारण बताते हैं। पहला तो ये बोलते हैं कि जो बे है ये बिराका है, बिराका का पहला शब्द है, बिराका का मतलब है ब्लेसिंग। अलफ पहला उसका जो शब्द है अरूर, जिसका मतलब है श्राप, और परमेश्वर अपने वचन को श्राप से शुरू होने नहीं देना चाहते थे, आशीष से शुरू होने देना चाहते थे। दूसरा है अलफ का नंबर 1 है, वो पहला ही अक्षर है, इसलिए सिंगुलैरिटी को जाहिर करता है, अकेलेपन को जाहिर करता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि इंसान अकेला ना हो। और बे दूसरा है, इसलिए परमेश्वर की वो उत्पत्ति पहले की 28वीं आयत से जुड़ जाता है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तीसरा है बे एज अ लेटर, जो लिखा जाता है उसके रिटन फॉर्म में वो सब तरफ से बंद है, क्योंकि ये भाषा बाएं से दाएं को पढ़ी जाती है, तो वो आगे की तरफ उसका मुंह खोला है। इसका मतलब है परमेश्वर की ये इच्छा है कि इंसान पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ देखता हुआ आगे बढ़े, और हमें इस बात पर ध्यान नहीं बनाए रखना है कि क्या हो सकता था, अगर मैं ये करता तो मैं ये हो जाता, क्योंकि परमेश्वर ने अपना नाम जाहिर किया, आई एम, मैं हूं, तो हमें अभी प्रेजेंट में ही रहना है, और इस प्रेजेंट के द्वारा अपने भविष्य को
परमेश्वर की उस स्वर्गीय शक्ति के साथ प्रभावित करना है, उनके अपने कामों के द्वारा जो उनकी शक्ति के द्वारा हम करते हैं, और उन कामों के द्वारा फिर भविष्य को प्रभावित करते रहना है। जब हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर हम दोबारा नया नहीं शुरू करते, उसी में फंसे रहते हैं और फिर हम उसी को दोबारा दोबारा करना चाहते हैं, जो कि हमारी जो एनर्जी है उसे खींच ले जाता है। जो हमारे चारों तरफ है उसे हम इन्फ्लुएंस तो होते हैं, जो ओबे शब्द है, लेकिन हमारा फोकस आगे की तरफ परमेश्वर की वचन, जो उसके आगे सारा बाइबल पढ़ी उसके ऊपर होना चाहिए, और हम उसी के इन्फ्लुएंस में फिर आगे बढ़ते हैं, उसी रोशनी में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय तीसरी आयत में परमेश्वर ने जो कहा लाइट हो जाए, उससे पहले जो धरती थी वो टोहू और बहू, वो बगैर आकार के थी, एब्सोल्युटली विदाउट फॉर्म और शेप, और अंधेरा उसके ऊपर था। और जो ही परमेश्वर ने अपने पुत्र जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया उनकी महिमा की रोशनी को जाहिर किया, तो ये धरती के ऊपर सब कुछ बदलने लग गया, धरती प्रोडक्टिव होने के लिए तैयार हो गई। इसी प्रकार प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा वो इस दुनिया में वो अपनी रोशनी जाहिर करते हैं, और फिर हम पाप के अंधेरे से निकल कर उस आशीष में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए रास्ता खोल दिया जाता है कि हम पाप में नहीं बल्कि रोशनी में, पाप के रहित जीवन में जीने के लिए आगे बढ़े। पवित्र आत्मा हमें, परमेश्वर हमें दे दिए जाते हैं जो हमें बल देते हैं उनकी रोशनी में चलने के लिए, और यही हमें करना भी है। प्रभु यीशु को वचन भी कहा गया है, उनका हमारे जीवन में आने से किस प्रकार के बदलाव आते हैं कि हम उनकी सही पहचान पा सके। संत योहन्ना उनके द्वारा लिखी गई इंजील के पहले अध्याय की पहली चार आयत में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को परमेश्वर, परमेश्वर जो वचन है, जीवता वचन, इस दुनिया की रोशनी जिसमें जीवन है, और वो रोशनी जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और जिसके बिना ना कुछ बनाया जा सकता था, ना ही कुछ उनके बिना बनाया गया ही, उनके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। इब्रानियों के पुस्तक चौथा अध्याय 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जीवता वचन है वो, एक्टिव है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल वचन के अनुसार, वचन के कॉन्सोनेंस के साथ काम करता है। उत्पत्ति का पहला अध्याय परमेश्वर ने सब कुछ होने दिया अपने वचन के द्वारा, और जब उनके पुत्र का आना है तो उनके आने की रोशनी के द्वारा, उनकी महिमा की रोशनी के द्वारा सब कुछ बदलने लग जाता है, उनकी समझ के अंदर आने से सब कुछ बदलने लग जाता है, और वचन के द्वारा फिर आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। मार्कोस अध्याय 8वां अध्याय 24वीं आयत में जन्म से अंधे को बैतसैदा में प्रभु यीशु चंगाई देते हैं, उससे पूछने पर वो कहता है मुझे लोग चलते हुए वृक्ष दिखाई देते हैं। लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु ने जो चंगाई दी वो स्टेजेस में आई, पहला स्टेज वो एक बारी चंगाई नहीं, उन्होंने भी नहीं दी। परमेश्वर का पुत्र जिसने सब कुछ बनाया, क्या वो उसे नई आंखें नहीं दे सकते अगर जरूरत होती, लेकिन उन्होंने पहले उसकी आत्मिक आंखें खोली। भजन संहिता 128 उसका तीसरा अध्याय तीसरी आयत अगर हम देखें, यहां लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। पत्नी को और बच्चों को पौधों के अनुसार उन्होंने मिला दिया। यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी, चाहे कुछ हो उनके विषय में कोई चिंता नहीं होगी, परमेश्वर उन्हें बल देंगे। तो उसकी पहले उन्होंने आत्मिक आंखें खोली, और उसके द्वारा फिर आगे उन्होंने दूसरी उसकी जो शारीरिक आंखें वो खोल दी, जो परमेश्वर के वचन में है वो ट्रायल से, ट्रिबुलेशन से, जो गर्मी है उससे प्रभावित नहीं होते हैं। यूहन्ना नबी की इंजील उसका 8वां अध्याय
उसकी 54 आयत में 54 प्रभु यीशु अपनी जो परमेश्वर तब है यहूदी लोगों को बताते हैं, वो कहते हैं बिफोर अब्राहम वॉज आई एम, अब्राहम के होने से पहले मैं हूं। परमेश्वर होते हुए उन्होंने अंधे की जो आंखों का चंगाई देने का प्रोसेस था उसे बदल दिया, पहले उन्होंने उसकी आंखें खोली, उसके बाद में ही उसे स्पिरिचुअल साइट मिली। ये दूसरा केस है जहां पर पहले उसकी आंखें ठीक हो गई, उसके बाद में उसे दोबारा वो आत्मिक आंखें खोली। योहन्ना 9 में पहले अध्याय से 38वीं आयत तक जन्म से अंधा है, इससे पहले कभी किसी को जन्म से अंधे को चंगाई नहीं मिली। जो जीवन की ज्योति है, इस दुनिया की ज्योति है प्रभु यीशु, वो उसे आते हैं और फरीसी देखते हैं और चंगाई को नहीं वो महिमा करते कि परमेश्वर के द्वारा हुआ है, वो सबत की वायलेशन के ऊपर लग जाते हैं। 11वीं आयत में जब उसे पूछा जाता है, जो अंधा ठीक हुआ था, जब उससे पूछा जाता है तो वो 11वीं आयत में कहता है कि जो लोग जिसने चंगाई दी उसका नाम लोग कहते हैं यीशु। पहले वो सिर्फ उसे प्रभु यीशु के नाम में ही जानता है। फिर हम देखते हैं 16वीं 17वीं आयत में वो कहता है कि वह भविष्यवक्ता है। अभी वो प्रॉफिट कहता है प्रभु यीशु को, वो उसे कहते हैं कि वो पापी है, तो वो आगे से कह देता है कि पापी भला कैसे ऐसे काम कर सकता है। दोबारा पूछने पर 25 से 27 आयत में वो कह देता है, मैं नहीं जानता कि वे पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। दोबारा पूछने पर वो कह देता है, क्या तुम भी उसके चेले बनने चाहते हो? उसने चेलों को देखा था कि वो परमेश्वर के पुत्र के पीछे चल रहे हैं, इसीलिए वो ऋषि से ये पूछ लेता है। 33वीं आयत में उसका विश्वास और बढ़ जाता है, वो कहता है यदि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो परमेश्वर की ओर से मानता है प्रभु यीशु को, विश्वास उसका और बढ़ गया है, उसकी आत्मिक आंखें और खुलती जाती हैं। आखिरी में 38वीं आयत में वो प्रभु यीशु में अपना विश्वास जाहिर करता है और उनकी आराधना करता है, उनके सामने दंडवत करता है। जब हम बपतिस्मा पाते हैं, परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में, तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाते हैं और हम परमेश्वर के गुणों को ग्रहण करने लग जाते हैं और हमारे भीतर वो बदलाव आने लग जाते हैं। मत्ती 5वां अध्याय 14वीं और 16वीं आयत में प्रभु यीशु विश्वासियों को कहते हैं, तुम जीवन की इस दुनिया की रोशनी हो। और जब हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं तो हम वचन के जीवते जल के द्वारा शुद्ध कर दिए जाते हैं, धो दिए जाते हैं, अब हम अंधेरे में नहीं रहते। तो फिर हम रोशनी प्राप्त करने वाले ही नहीं, रोशनी देने वालों में बदल दिए जाते हैं, ताकि हम फिर अपने दुश्मनों को भी प्यार करने लग जाते हैं। यहूदी लोगों ने लाइट ऑफ द वर्ल्ड या लैंप ऑफ द यूनिवर्स, एमिनेंट जो बहुत रबी मशहूर थे, महान थे, उन्हें ये नाम देते हैं, जैसे रबी जूडा को। और हमें उस एमिनेंस के स्थान पे पहुंचा दिया प्रभु यीशु ने, हमें लाइट ऑफ द वर्ल्ड कह दिया। और इसके द्वारा हम जिम्मेवारी पा लेते हैं कि हमारा जो डिस्टिंक्टिव करेक्टर है वो बदले, और एक क्रिश्चियन फिर दूसरों के मनों में वो दीपक जलाए, वो चिंगारी दूसरों के मनों में भी हम जलाना शुरू कर दें। और फिर उसी 16वीं आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया कि इस प्रकार तुम्हारे काम, तुम्हारे भीतर वो रोशनी चमके, कि तुम्हारे काम दूसरों के सामने वो रोशनी जाहिर करें, ताकि तुम्हारे कामों के द्वारा फिर वो लोग तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं उनको महिमा दें। यूहन्ना नबी की इंजील 17वां अध्याय उसकी पहली ही आयत में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, वो कहते हैं हे पिता वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे, ग्लोरीफाई योर सन दैट योर सन में ग्लोरीफाई यू। और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं अपने विचारों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपने कामों के द्वारा। कोई भी जो काम हम करते हैं स्वर्ग के सिटीजन होने के कारण हमें करना है, और फिर हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और इसमें हम मिस भी कर सकते हैं, हम इससे वंचित भी रह सकते हैं।
परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए जाने के बाद हमारे पापों की माफी हमें मिल गई, और लेकिन हमारी प्रवृत्ति पाप वाली ही है और ये बदलाव आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है। योहन्ना 17:22 में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर को यह कह दिया, जो महिमा आपने मुझे दी थी मैंने इन्हें दे दी है। जो आदम के ऊपर वो अंगरखे पहनाए गए थे उसका असर खत्म हो गया, वहां महिमा छुपाई गई थी आदम की, यहां पुत्र की महिमा, दूसरे आदम की महिमा हमें दे दी गई, और फिर वो हमारे भीतर वो रोशनी बनकर चमकने लगती है। हमारी आत्मिक यूनियन जो है परमेश्वर के साथ वो दोबारा जुड़ जाती है, और फिर वो जो परमेश्वर की महिमा की रोशनी जो प्रभु यीशु ने हमें दी, वो हमारे भीतर दूसरों के ऊपर जाहिर होने लग जाती है, हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोलों के द्वारा, हर तरह से फिर हम भिन्न होने लग जाते हैं अंधेरे से, क्योंकि अंधेरा अलहदा कर दिया गया। क्या किसी कारण से हम प्रभु यीशु द्वारा दी गई रोशनी से वंचित भी रह सकते हैं? किसी तरह ये पवित्र रोशनी हमारे अंदर छुपी भी रह सकती है? दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है। अफसियों की पुस्तक 5:8 की 8 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति है हम। पहले हम अंधकार थे, अंधकार में नहीं थे, अंधकार थे। इसका मतलब है हम पूरी तरह से शैतान के कामों से, दुष्ट आत्माओं, अंधेरे की ताकतों के कामों से पूरी तरह प्रभावित ही नहीं थे, उसके पूरे हिस्सेदार थे। उनका काम है परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों की खिलाफत में खड़े होना, और हम सब वो कर रहे थे। जो पहला पाप क्रिएटेड बींग्स में आता है वो अहंकार, प्राइड है, क्योंकि शैतान अपने आप को अपनी ब्यूटी से इतना प्रभावित हो जाता है, परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश करता है। फिर वो एक डेयर देता है ईव को, क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है? मतलब ये कहता है कि अगर कहा भी है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना काम करो। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:2 में परमेश्वर ने यह फल बनाया ही खाने के लिए है, वो कहता है। मत्ती 4:4-6 में देखते हैं यही डेयर वो देता है परमेश्वर के पुत्र को, वो कहता है अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो रोटी बनाओ और खा लो, भूखे क्यों बैठे हो, या ऊपर से छलांग मारो स्वर्गदूत तुम्हें संभाल लेंगे, और अपना स्टेटस सबको प्रूव कर दो। उसका जो अटैक है वो हार्ट के ऊपर है, फीलिंग्स के ऊपर है, ईगो के ऊपर है। वर्नैकुलर प्रेस के अंदर बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें गारंटी दी होती है कि तुम्हारी मन की इच्छा को पूरा करेंगे, जिससे तुमने शादी करनी है उसको वशीकरण कंट्रोल करा देंगे। ये जो विक्टिम है उसे कंट्रोल, उसे डेयर दे रहा है वो, अपने पैसे खर्चो हम सबको तुम्हें करके देंगे, फिर तुम अपनी मन की इच्छा पूरी करो, अंधेरे के काम पूरे करो। फिर अफसियों की पुस्तक वही 5:9 में जब वो रोशनी हमारे भीतर आ जाती है तो पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है, फिर पौलुस रसूल पवित्र आत्मा के कामों के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। पूरी भलाई, धार्मिकता और सत्य है जो के परमेश्वर को भावता है, एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। गलातियों की पुस्तक 5:22 में पौलुस रसूल ने आत्मा के जो गुण हैं, जो प्रकट होने चाहिए, फ्रूट हैं, वो जाहिर कर दिए, और यह हमारे हर दिन के व्यवहार के बारे में है। फिर वही 5:11 में वो कहते हैं कि तुम क्योंकि परमेश्वर की रोशनी हो तो निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, उनको जाहिर करो, एक्सपोज करो अंधेरे के कामों को। हमें उनके कामों में या बुरे कामों में हिस्सा नहीं लेना है, उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना है कि और कुछ जान ले कैसे होता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें। हमें अपने कामों के द्वारा, अपनी रोशनी के द्वारा उन्हें जाहिर करना है। जो परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है अपने पुत्र के द्वारा, हमें वो प्राप्त करके उस अंधेरे को दूर करना है, रोशनी चमकनी चाहिए, और फिर हमारा जो काम है वो रोशनी के अधिकार में होना चाहिए। नोइंगली या अनोइंगली हम इस रोशनी को छुपा भी सकते हैं। किस तरीके से? पहला है कि जब गवाही देनी होती दूसरों के सामने, बुराई को एक्सपोज करना होता, तो हम चुप करके बैठ जाएं, बोले ना। दूसरा है जब हम दूसरों की ओपिनियन के साथ, उनकी इच्छाओं के साथ चलने लग जाते हैं और हम खड़े नहीं होते कि हम इसकी अपोजिशन कर रहे हैं।
तीसरा है जब हम डर के कारण या लालच के कारण उस रोशनी को इनकार कर देते हैं। चौथा है जब हम चुन लेते हैं पाप के कामों में जुड़े रहने के लिए और किसी भी तरह से कोशिश नहीं करते हैं बदलाव के लिए कि हम बदलें, प्रार्थना करना, आत्मा से वो बल मांगना, रिपेंटेंस करना। पांचवा है किसी भी तरह से कोई कोशिश ही नहीं करना कि जो रोशनी है इस दुनिया की उसका प्रभाव हम उसकी आशीषें दूसरों पर जाहिर करें और उन्हें बताएं कि मुक्ति इस प्रकार मिलती है, उन्हें हम रोशनी में लाने की कोशिश ही ना करें। छठा है हम दूसरों की जरूरतों को ना समझें और उसके लिए कोई कोशिश भी ना करें कि उन्हें हम इस रोशनी में लाएं। मत्ती 25 की 35-36वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना, जो स्ट्रेंजर है उसका ध्यान देना, नंगे को वस्त्र देना, बीमार की तिमारी करना और जो कैदी है उसको देखने जाना, ये सब आत्मा के काम है जो के करते हैं हम मटेरियल रियाम में, लेकिन इसके द्वारा हम वो रोशनी, स्वर्गीय रोशनी दूसरों पर जाहिर करते हैं। और हम इसे ना भी करें तो फिर हम वो इनकारी हो जाते हैं। एक विश्वासी का विश्वास में जो चलन है वो हमारा चलन है कि हमारे भीतर के जो गुण हैं उस रोशनी को, उस धार्मिकता को जाहिर करें जो हमें प्रभु यीशु से मिले हैं। अगर हम लोगों को जो अंधेरे में है उनसे दूर हटने लग जाएं अपने आप को बचाने के चक्कर से, तब भी हम शैतान के साथ पार्टनर हो जाते हैं क्योंकि उसको हम अपोज नहीं कर रहे हैं। साइंस रोशनी को एनर्जी बताती है, शक्ति बताती है और हर विश्वासी में जब ये स्वर्गीय रोशनी आती है तो हम बल से भर दिए जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा और फिर हमारे बल में, हमारे अंदर वो बल आ जाता है ताकि हम ये काम कर सकें। पहला यूहन्ना 3:8 में प्रभु यीशु आए शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। उनकी रोशनी हमारे भीतर आने के साथ हम उस लड़ाई में लग जाते हैं और ये लड़ाई फिर हमारी नहीं है, उनकी लड़ाई है और हम उनके सोल्जर बनकर वही काम उनके जैसे करने लग जाते हैं ताकि उनकी रोशनी में, उनके बल में हम चलते जाएं और रोशनी फिर प्रकट हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके बेटे के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए, जिनके द्वारा आपने हमें सिर्फ छुटकारा ही नहीं दिया बल्कि हमें अपने बल और शक्ति से भर दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें आशीषित कीजिए कि हम दूसरों को इस रोशनी में आने में सहायता करें, हम गवाही दें जो हमारे जीवन में बदलाव आए हैं, जो आपने बदलाव किए हैं हमारे जीवन में, ताकि फिर हम रूहें जीतें और स्वर्ग राज्य के कामों में आगे बढ़ते जाएं और रोशनी दूसरों पर जाहिर हो, वो प्रभु यीशु की रोशनी। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। अंधेरा चाहे मन का हो और चाहे बाहर का, ये सब कुछ छुपाने की ही कोशिश करता है। हम सब जो जीवन की ज्योति से भरे हुए हैं, अंधेरे से दूसरों को निकालने में सहायता करने के लिए हैं। उनके साथ उनके कामों में हिस्सा लिए बिना हम अपने चाल चलन से उन्हें प्रभावित करना है कि वो अपने आप ही आकर्षित हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। शालोम।